आज बात करेंगे इलॉन मस्क की और इलॉन मस्क की फेवरेट क्रिप्टो करेंसी की। इलॉन मस्क का नाम ही काफी है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, और इलॉन मस्क का नाम इसीलिए काफी है क्योंकि जिस क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करते हैं, जिस क्रिप्टो करेंसी को लेके 2020-21 में लगातार ट्वीट्स आ रहे थे और वही क्रिप्टो करेंसी चार्ट्स पे अपने नए हाई लगा रही थी, है ना, वो क्रिप्टो करेंसी टॉप 10 से बाहर नहीं जा रही है। टॉप 10 से बाहर दिखी हमको 2022 में, आई थिंक, ठीक है, लेकिन वापस टॉप 10 में आ गई, और जिसका नाम है डॉज कॉइन। आज हम डॉज कॉइन के फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, क्या प्राइस टारगेट हो सकते हैं डॉज कॉइन के, और कुछ अपडेट्स हैं इलॉन मस्क और डॉज कॉइन को लेके। इलॉन मस्क और डॉज कॉइन का एक कहते ना, क्योंकि इलॉन मस्क खुल्लम खुल्ला सपोर्ट करते हैं डॉज कॉइन को। इलॉन मस्क का अगर हम देखें तो इलॉन मस्क के पास बिटकॉइन, इथीरियम और डॉज कॉइन, बस इसके अलावा और कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है। टेस्ला के पास जो है वो बिटकॉइंस हैं, ठीक है, डॉज कॉइन है, और यही रिजल्ट है कि डॉज कॉइन आज की डेट में टॉप 10 की क्रिप्टो करेंसी, नंबर 1 मीम कॉइन है, नंबर 1 से अभी तक डॉज कॉइन हटा नहीं। ये कहीं ना कहीं इलॉन मस्क का सपोर्ट है जो डॉज कॉइन को अभी तक हटा नहीं पाया, है ना। अच्छी खासी मार्केट कैप है, टॉप 10 में आता है डॉज कॉइन आज की डेट में। करंट प्राइस है 0.1 के अराउंड, यानी 8 रुपए पे इसका प्राइस है, ठीक है, और 4-5 पे हमने डिस्कस किया था, 3-4 के अराउंड भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और पिछली बार जब ट्विटर को खरीदा गया था इलॉन मस्क की तरफ से, तो यही डॉज कॉइन 150% पंप हो गया था, तब भी हमने कहा था वेट कीजिएगा डॉज कॉइन को एंट्री लेने के लिए, क्योंकि पंप होने के बाद भी डॉज कॉइन का प्राइस नीचे आया। अब एक बुल साइकिल चल रही है, अच्छा माहौल मार्केट में आगे चल के देखने को मिल सकता है। तो डॉज कॉइन के क्या प्राइस टारगेट हो सकते हैं, आज हम यही बात करने वाले हैं। एक सबसे बड़ी अपडेट ये है डॉज कॉइन को लेके कि जो इलॉन मस्क के ऊपर एक लॉ सूट था, किस चीज़ का, डॉज कॉइन के मैनिपुलेशन को लेके एक लॉ सूट उनके ऊपर चल रहा था, डॉज कॉइन के मैनिपुलेशन को लेके। उस लॉ सूट को कहीं ना कहीं डिसमिस कर दिया गया और एक तरह से विन यहाँ पे हुए इलॉन मस्क। अब मैनिपुलेशन हुआ नहीं हुआ, इलॉन मस्क ने कुछ किया नहीं किया, वो यहाँ पे रिजल्ट मिल चुका है, लेकिन ये चीज़ क्लियर है कि इलॉन मस्क के ट्वीट ने डॉज कॉइन को चांद पे ज़रूर पहुँचाया था। इलॉन मस्क के ट्वीट और चार्ट्स पे जो लकीरें बना रहा था डॉज कॉइन, वो ऊपर की बना रहा था, ठीक है। ये आप सबको पता होगा, आप हिस्ट्री उठा के देखिए पीछे, मतलब जो जो कुछ हो चुका है वो उठा के देखिए, हिस्ट्री तो आगे बनने वाली है। तो जो कुछ हो चुका है, लॉ सूट वो भी डिसमिस हो चुका है, ठीक है, मैनिपुलेशन का। अब इस न्यूज़ का कोई इम्पैक्ट पड़ेगा डॉज कॉइन पे, और जब से हम देखें 2020-21 के बाद डॉज कॉइन को लेके कोई ट्वीट इलॉन मस्क का नहीं आया। ट्विटर खरीदा, ट्विटर के जरिए एक्स बना दिया, एक्स ट्विटर को एक्स बना दिया, एक्स के जरिए डॉज कॉइन के लिए बहुत कुछ अनाउंसमेंट, बहुत कुछ ऐसे सिग्नल इंडिकेशन मिले। टेस्ला पेमेंट एक्सेप्ट करेगा डॉज कॉइन की, ठीक है, मतलब ऐसे कुछ सिग्नल, ऐसे कुछ इवेंट्स बाकी हैं जो कहीं ना कहीं इलॉन मस्क करने वाले हैं डॉज कॉइन के लिए। आपको पता है इलॉन मस्क जो भी करते हैं कुछ ना कुछ हटके करते हैं, और इलॉन मस्क कुछ भी करेंगे अगर डॉज कॉइन को लेके तो कुछ बड़ा ही करेंगे, कुछ हटके करेंगे, और डेफिनेटली वो जल्दी हो सकता है, और वो जब भी होगा डॉज कॉइन आपको फिर से हाई लगाता हुआ दिख सकता है। क्या ये 8 रुपए की क्रिप्टो करेंसी 80 रुपीज 100 रुपीज को क्रॉस कर सकती है इस साल? देखो इस साल चांसेस हैं, लेकिन थोड़े से कम है, ज्यादा नहीं कहेंगे, थोड़े से कम है, लेकिन हाँ अगले साल को भी अगर हम कंसीडर कर लें तो डॉज कॉइन के अंदर इतना पोटेंशियल है, जो पिछले साल, पिछली बार बुल रन में $1 हिट नहीं कर पाया, वो इस बुल सीजन में डॉज कॉइन ज़रूर कर सकता है, क्योंकि इलॉन मस्क का सपोर्ट है और इलॉन मस्क कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बड़ी अनाउंसमेंट कर सकते हैं, और वो टाइम पे अनाउंसमेंट होगी, और जैसे ही अनाउंसमेंट होगी डॉज कॉइन में आपको एक जंप दिखेगा तगड़े वाला, ठीक है। मतलब सब चीज़ें टाइम पे होती हैं, लेकिन डॉज कॉइन का प्राइस $1-$2 देखने को ज़रूर मिल सकता है 2025 तक। ये सारी स्टोरी थी डॉज कॉइन और इलॉन मस्क को लेके, ठीक है। बाकी जो सिनेरियो अपडेट्स रहेंगे चार्ट्स को लेके, न्यूज़ को लेके, वो डिस्कस करते रहेंगे। किसी भी क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए बाय बाय।